नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैंप में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम व्यंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं व्यंजक चूर्ण क्या है, देखेंगे इसका जो रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका एक और नाम होता है जिसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, या तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब देखेंगे इसका फॉर्मूला। इसका ये सूत्र होता है CaOCl2, लेकिन यदि इसे हम हाइपोक्लोराइड के रूप में लिखें तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला इसका हो जाएगा CaO, उसके बाद Cl और फिर बाद Cl। वैसे तो हम इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलेंगे, लेकिन यदि हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहें तो फिर हम इस तरह से इसे लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम इसको बनाने की विधि, यानी व्यंजक चूर्ण को किस प्रकार बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में इसे बनाने के लिए हम सामान्यतः जो आपका भुया हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करें तो हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हम भुजा हुआ चूना कहते हैं, तो इस भुजे हुए चूने में ये क्लोरीन गैस इसके अंदर पास करेंगे, और जैसे इसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी वैसे ही हमारा क्या होगा, ये अपना इसमें से जल त्याग देगा और हमारे पास ये व्यंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी हम विधि लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लियन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो हमें ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। इसके बाद देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी व्यंजक चूर्ण के भौतिक गुण क्या हैं। तो जो इसका पहली प्रॉपर्टी है, यह पीले रंग का, हल्के पीले रंग का होता है, डार्क नहीं होता है। तो यह हल्के पीले रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन उसे पाउडर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यह हमारा कैसा है, व्यंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है, इसमें क्लोरीन जैसी हल्की हल्की गंध आती है। क्लोरीन की गंध क्यों आती है, क्योंकि यह क्लोरीन से ही बना है, इसमें ही क्लोरीन पाया जा रहा है, इस कारण इसमें क्लोरीन की कैसी आई हल्की हल्की गंध आती है। इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, इसमें इसे जल में घोलने पर दूधिया विलयन प्राप्त होता है, यानी इसे पानी में घोलेंगे तो आपको जैसे मिल्की वाटर, जैसे हम दूध पानी में थोड़ा सा दूध मिला दें तो कैसा कलर आता है, वो दूध जैसा कलर आता है। तो सेम इसी प्रकार हम इसको जब जल में घोलेंगे तो दूधिया कलर का वो हमारा विलयन प्राप्त होता है। इसके बाद देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी व्यंजक चूर्ण के रासायनिक गुण क्या हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी गर्म करने पर, जब व्यंजक चूर्ण को हम गर्म करते हैं तो देखेंगे यह भी अपने जो अवयवी यौगिक थे उनमें विघटित हो जाता है, यानी व्यंजक चूर्ण को हमने जिन पदार्थों के द्वारा बनाया था वह उन्हीं में विघटित हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा व्यंजक चूर्ण है, इसमें हमने जल मिलाया तो जल मिलाने से हमारा क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्राप्त हुए। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन दोनों ने मिलके हमारे दो प्रोडक्ट बनाए थे, और उसी रिएक्शन को यहाँ पर क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ आ गए और ये दोनों प्रोडक्ट इस साइड में आ गए। तो आप यहाँ से भी इसकी जो प्रॉपर्टी है उसे याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्या है, इसका ऊष्मा का प्रभाव, यानी इसे हम हीट करें तो क्या होगा, तो हीट करने पर गर्म करने पर क्या होगा, ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड में बदल जाएगा और ऑक्सीजन गैस है वह बाहर निकलेगी। यानी जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी व्यंजक चूर्ण को गर्म किया जाता है तो वह ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करता है और कैल्शियम क्लोराइड को बनाता है।
इसके बाद देखेंगे CO2 के तन विलयन से क्रिया, यानी जब हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है यानी भिरंजक चूर्ण, तो जब उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से यह कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बनाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट? CaCO3, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन प्राप्त होती है, यानी ये क्लोरीन गैस को उत्सर्जित करेगा। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक गुण थे। पहला क्या था? हमारा जल के साथ क्रिया, फिर ऊष्मा का प्रभाव, CO2 से क्रिया। तो ये तीनों ही अभिक्रियाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ हैं। अब देखेंगे इसका यूज किस किस में है, यानी इसका जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या दिया इसमें? कई रासायनिक उद्योग में उपचाय के रूप में किया जाता है, यानी इसका उपयोग जो बहुत सारे रासायनिक उद्योग होते हैं, जैसे हम बात करें कांच उद्योग में भी इसका यूज होता है, कपड़ा उद्योग में इसका यूज होता है, तो वहाँ पर इसका उपयोग ऑक्सीकारक और अपचाय दोनों के रूप में किया जाता है। ऑक्सीकारक और अपचाय को कम्बाइंड रूप से क्या कहते हैं? उपचाय कहते हैं, या रिडॉक्स, तो रिडॉक्स रूप में भी इसका यूज करते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, पीने वाला जो पानी होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में, यानी जल को प्योरीफाई करने में इसका यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा नगर पालिका की जो सरकारी टंकी होती है, जो पानी आता है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा मिला देते हैं, क्योंकि उसके अंदर जीवाणु नहीं हो, या आपके जो रेलवे स्टेशन वगैरह होती हैं उनका जो पीने की पानी की टंकियाँ होती हैं उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, क्योंकि वह टंकियाँ लंबे समय तक उनकी सफाई नहीं हो पाती है, तो उनके अंदर जो पानी होता है उसमें हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं वह नहीं पनपे, वह नहीं विकसित हों, इसलिए इसका यूज क्या किसमें किया जाता है? जल वगैरह जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।